बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्न वेट चैनल की अनोखी क्विज पार्ट 56 में। लेट्स प्ले जी की क्विज 56। पहला प्रश्न, स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रेंज, ऑप्शन बी रिंक, ऑप्शन सी कोर्स या ऑप्शन डी ग्रीन्स। आप स्क्रीन पॉज करके इसका आंसर सोच सकते हैं। चलिए स्क्रीन पॉज कीजिए और आंसर सोचिए। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी रिंक। स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को रिंक कहा जाता है। आई होप आप सभी ने सही सोचा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? ऑप्शन ए कला, ऑप्शन बी संगीत, ऑप्शन सी कंप्यूटर या ऑप्शन डी खेल। आप स्क्रीन पॉज कीजिए और आंसर को सोचिए। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी कंप्यूटर। स्पैम कंप्यूटर से संबंधित एक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है? ऑप्शन ए 6 गज, ऑप्शन बी 7 गज, ऑप्शन सी 8.5 गज या ऑप्शन डी 9 गज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 7 गज, यानी 7 यार्ड। हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक 7 यार्ड यानी 7 गज की दूरी से मारा जाता है। आपको बता दें, पेनल्टी स्ट्रोक पेनल्टी स्पॉट से लिया जाता है जो कि लक्ष्य के केंद्र के सामने सीधे 6.4 मीटर यानी कि 7 यार्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 28 मई 1989, ऑप्शन बी 28 मई 1990, ऑप्शन सी 28 मई 1991 या ऑप्शन डी 28 मई 1992। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 28 मई 1990 को अंतर्राज्य परिषद की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 22 या ऑप्शन डी 24। आप स्क्रीन पॉज करके इसका आंसर सोच सकते हैं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं। आपको बता दें, ICJ संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा मध्यस्थता के स्थायी न्यायालय में राष्ट्रीय समूह द्वारा मनोनीति लोगों की सूची से 9 वर्ष के लिए निर्वाचित 15 न्यायाधीश से बना है। चुनाव प्रक्रिया ICJ संविधान के अनुच्छेद 4 से 19 में निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? ऑप्शन ए हीराकुंड बांध, ऑप्शन बी सरदार सरोवर बांध, ऑप्शन सी भांगड़ा बांध या ऑप्शन डी टेहरी बांध। आप स्क्रीन पॉज करके इसका आंसर सोच सकते हैं। तो चलिए सोचिए इसका आंसर। आई होप आप सभी ने आंसर सोच लिया होगा। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी भांगड़ा डैम, यानी कि भांगड़ा बांध भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउसिंग लोन देने के लिए निम्न में से कौन से संस्था को स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए HDFC, ऑप्शन बी नाबार्ड, ऑप्शन सी IDBI या ऑप्शन डी SBI। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए HDFC बैंक को हाउसिंग लोन देने के लिए स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए श्याम, ऑप्शन बी सिलेसवरी, ऑप्शन सी सीलोन या ऑप्शन डी सैंडविच द्वीप। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी सीलोन। श्रीलंका को पहले सीलोन नाम से जाना जाता था। आपको बता दें, आधिकारिक तौर पर श्रीलंका के डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक उत्तरी हिंद महासागर में एक द्वीप है जो समय के साथ विभिन्न नामों के तहत जाना जाता था। ब्रिटिश शासन के तहत द्वीप को 1815 से 1972 तक सीलोन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निफ्टी निम्नलिखित में से किस शेयर बाजार का मूल सूचकांक है? ऑप्शन ए NSE, ऑप्शन बी CSE, ऑप्शन सी DSE या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आप स्क्रीन पॉज करके इसका आंसर सोच सकते हैं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए NSE। इन सभी में से NSE निफ्टी शेयर बाजार का मूल सूचकांक है। आपको बता दें, निफ्टी 50 इंडेक्स भारतीय इक्विटी बाजार के लिए भारत के बेंचमार्क ब्रांड आधारित स्टॉक मार्केट इंडेक्स को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। NSE की फुल फॉर्म नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होती है। तो चलिए चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर। उस क्वेश्चन का जवाब आपको हर बार की तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, यानी विच इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन डी 1।
आपको इस क्वेश्चन का जवाब हर बार की तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। क्विज खेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं इस प्रकार की एक क्विज सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे खेलना तो लर्न वेट चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको हर नई वीडियोस के अपडेट्स तुरंत मिल सकें और आप उसे सबसे पहले देख सकें। अगर आपको यह क्विज अच्छी लगी हो या इससे आपको कुछ जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।